हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने छोले मसाला की रेसिपी। ये जो छोले मसाला है बनाने में बहुत ही आसान है बट खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी इस मेरी रेसिपी से एक बार इनको बनाकर देखिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए अपने छोले मसाला बनाना हम शुरू करते हैं। सो देखिए, छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना 2 कप छोले लिए हैं एंड मैंने इनको ना अच्छे से धो के वॉश करके और इसको अच्छे से पानी में सोक करके रख दिया था 8 to 9 आवर्स के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने छोलों को अच्छे से वॉश करके ये पानी में सोक करके रख दिया है। तो सबसे पहले हमें छोलों को बॉइल करना है। तो छोलों को बॉइल करने से पहले ना हम इसके लिए पोटली तैयार कर लेंगे मसालों की। तो यहाँ पे मैंने एक मसलिन क्लॉथ में ले रही हूँ, एक कॉटन का क्लॉथ है मेरे पास, ये मसलिन क्लॉथ है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती ली है, तो ये चाय पत्ती मैं इसमें डाल दे रही हूँ। एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे देखिए 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग ले रखी है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसालों का। तो बस अब मैं पोटली बना के इसे अच्छे से काट बात के इसके अंदर डालूंगी। सो देखिए, मैंने जो पोटली है बना दी है, तो पोटली मैं इसमें डाल देती हूँ। एंड अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, बाकी का हम जो बनाएंगे छोले उस टाइम पे डाल देंगे, नमक से जल्दी गल भी जाएंगे। एंड इसमें मैं डालूंगी 1/4 या 1 पिंच आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा, जिससे अच्छे से गल जाएंगे और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस अभी मैं इसको रख देती हूँ बॉइल करने के लिए। सो देखिए, मैंने अपना जो कुकर है ना छोले बॉईल करने के लिए रख दिया है गैस पे। एंड फिलहाल मैं इसको हाई फ्लेम पे 2 विसल आने तक कुक करके फ्लेम को लो पे रख दूंगी। हमारे जो छोले है ना वो बॉईल हो गए हैं। मैंने इसको हाई फ्लेम पे 2 विसल लगा के देन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया से हमारे जो छोले है गल के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ गया इन छोलों में। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये गले हुए हैं। तो ये देखिए कितने इजीली ये मैश हो जा रहे हैं। तो बस अब हम छोलों को साइड करेंगे एंड इसको बनाना शुरू करेंगे। छोले बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तो मैं छोले जो है वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। एंड इसमें मैंने जो है सरसों का तेल डाल दिया है गर्म करने को। तो ये अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून के अराउंड सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। आप चाहे तो किसी दूसरे तेल में भी इसको बना सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं, बट सरसों के तेल में जो इसका स्वाद होता है वो और अच्छा होता है। एंड मैंने इसको ऑलरेडी जो रखा था कि गर्म करने को रख दिया था, तो आप देख सकेंगे कि इसमें से ना धुआं आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो है तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने गैस की फ्लेम कम कर दी है। यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते लिए है। सबसे पहले मैं इसमें तेज पत्ते डाल देती हूँ। एंड अभी हम इसमें अपना जो हमने प्याज कट करके रखा है वो प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े साइज के, उनको चॉप करके रख दिया था। अब हमें प्याज को अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। एंड जब तक कि हमारा जो प्याज है वो पक हो रहा है, भून रहा है, हम एक मसाला तैयार करेंगे। और तो देखिए, इसका मसाला प्रिपेयर करने के लिए ना मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे स्मॉल टू मीडियम साइज के, इनको मैंने 4 पार्ट्स में कट करके रख लिया है। 7 to 8 मैंने यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स लेके रखी है। अराउंड 1.5 to 2 इंच मैंने जिंजर लिया है, जिंजर का फ्लेवर छोलों में ज्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली ले रखी, जिनको तोड़ के रखा हुआ है, काफी स्पाइसी है ग्रीन चिली। एंड आप ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। एक पूरा मैंने हैंडफुल भर के अच्छे से एक धनिया को चॉप करके रखा है धोके। तो इसका सबका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे पहले, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है छोले का। तो मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ, इन सबको मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसको एक मिक्सी में जार में डाल के इसका हम एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जो कि हम अपने छोले में डालेंगे। इससे जो छोले का फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी आएगा। देखिए, ये मैंने जो मसाला है इसको ग्राइंड करके रेडी कर दिया है। एक बार हमारा जो प्याज है अच्छे से भून जाएगा, देन हम इसमें अपने मसाला ऐड करेंगे एंड इसको साथ में भून लेंगे। इसको ना अच्छे से मैंने प्याज ये भून लिया है, देखिए अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया, प्याज अच्छे से भून गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो अपने मसाला तैयार करा था उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये मसाले को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने अभी लो पे रखी है, लो मीडियम पे।
मसाले को भी हम अपने प्याज के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम तो मैं बढ़ा दे रही हूँ उस टाइम पे। एक अच्छा कलर भी आ जाता है इस मसाले से और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो भूनना स्टार्ट हो गया है, भून रहा है। तो इसमें अभी हम अपने जो ड्राई सूखे मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक अभी मैं फिलहाल कम ही डाल रही हूँ बिकॉज हमने छोले में भी नमक ऐड करा है। तो नमक की क्वांटिटी को हम बाद में टेस्ट करके बढ़ा लेंगे अगर कम लगेगा तो। एंड साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून के आसपास सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि हमने ग्रीन चिली डाली तो मैं यहाँ पे केवल 1/2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जो ये जीरा पाउडर है, मैंने रोस्ट करके पाउडर बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। एंड यहाँ पर जाएगा हमारा गरम मसाला। तो यहाँ पे फिलहाल ना मैं जो गरम मसाला है वो 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। एंड बाकी का जो गरम मसाला है वो हम छोले डालने के बाद ऐड करेंगे, थोड़ा सा जो फ्लेवर है और अच्छा आ जाएगा ऊपर से डालने से। एंड 1 टीस्पून ये अमचूर पाउडर है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे अच्छा सा एक टैंगीपन आ जाएगा। एंड इस मसाले को अब हम भून लेते हैं। देखिए हमारे मसाले ने जो है ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मैंने जो मसाले के उस बर्तन में ना पानी डाल के रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड उसको भी हम मसाले को थोड़ा सा और देर भून लेंगे, करीबन 2 से 3 मिनट हम मसाले को और भून लेंगे धीमी आंच पे। देखिए मुझे मसाले को ना अराउंड 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। एंड आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो अच्छे से रिलीज हो गया है, इसका मतलब जो हमारा मसाला है अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो अभी हमने जो छोले उबाल के रखे थे हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो जितना भी पानी है बहुत कम ही पानी है, तो मैं पानी के सहित ही इसको छोले इसमें ऐड कर दे रही हूँ। हमने ज्यादा पानी नहीं लिया था बॉइल करते समय भी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सो देखिए ना मैंने जो छोले है ना इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए अच्छे से मसाले में ये कोट हो गए हैं। तो अभी इसको हम थोड़े से देर ढक के कुक करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये पोटैटो मैशर ले रही हूँ। तो मैं अपने छोलों को ना हल्का हल्का सा हल्के हाथ से ब्रेक कर लेती हूँ ताकि थोड़े से जो छोले हमारे मैश हो जाए और बाकी जो साबुत रहे। तो इससे क्या होता है कि जो छोले का मसाला होता है वो एकदम से एक लग जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे खाने में। तो हल्के हाथ से ना हम थोड़े थोड़े से छोलों को मैश कर लेंगे। सारे छोले हमें मैश नहीं करने हैं, नीचे नीचे के छोलों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको मैश कर लिया है। आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए अभी इनकी कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। जैसे कि अभी ये काफी गाढ़े हैं और हमें इनको कुक भी करना है, ठीक है अभी। तो थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैं करीबन देखिए थोड़ा मैंने पानी ऐड करा, अभी मैंने फिलहाल आधा ग्लास पानी ऐड करा है। पहले मैं इसको मिला लेती हूँ, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी। तो करीबन मैंने इसमें 3/4 जो ग्लास है वो पानी का ऐड कर दिया है। एंड मैंने हाँ इसमें नमक टेस्ट किया था, जो नमक था थोड़ा क्वांटिटी थी नमक की वो कम लगी, तो मैं थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर लूंगी। एंड बाकी के मसाले भी आप थोड़ा अगर आपको लगता है कि कुछ खटाई कम है या ज्यादा हुआ है तो वो भी आप इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ। एंड थोड़ा सा भी इस टाइम पे मैं इसमें गरम मसाला और ऐड करूंगी, करीबन आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अमचूर पाउडर की क्वांटिटी कम लगती है, खटास कम लगती है, तो आप वो भी बढ़ा दीजिए। एंड अब इसको मैं सिम करके ना 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी सही हो जाएगी इसकी और जो फ्लेवर है मसालों का अच्छे से वो हमारे छोले में आ जाएगा। देखिए छोलों को कुक होते हुए ना अराउंड 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं। तो एक बार हम आइए इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक बार मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अभी मैं क्या करूंगी ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना जिंजर जूलियंस लिए है और 2 ग्रीन चिली स्लिट करके ले लिए है। तो मैं इसमें ये ग्रीन चिली और जो जिंजर जूलियंस है उनको भी ऐड कर देती हूँ। तो ये थोड़ा टेस्ट और ना लास्ट में जो ग्रीन चिली डालने से टेस्ट काफी अलग थोड़ा डिफरेंट सा आता है, अच्छा आता है।
और थोड़ा सा ये जिंजर जूलियंस है वो भी मैं इसमें ऐड करके कुक कर लेती हूँ इसके साथ में ही। सो बस 2 से 3 मिनट हमें इसको और कुक करना है, हमारे जो छोले हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सो देखिए मुझे इसको और कुक करते हुए 3 से 4 मिनट्स हो गए, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड हमारे जो छोले हैं वो बनके भी रेडी हो चुके हैं, तो ये देखिए अब हम इसको एक बार बस चला लेते हैं। एंड मैं गैस को भी ऑफ कर देती हूँ। जैसे जब तक हम इसको सर्व करेंगे थोड़ा देर रखेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो और बढ़ जाएगी, कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा सा वो गाढ़े हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे रखे रखे। तो चलिए अपने हम छोलों को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने छोटी सी प्यारी सी एक कढ़ाई ली है तो इसमें मैं ये छोलों को सर्व करती हूँ। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई, बिल्कुल घुटे हुए छोले बने हैं। आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज्यादा घोटना कम घोटना। मुझे घुटे हुए पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा घुटे हुए है। सो देखिए हमारे बिल्कुल छोले मसाला बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। पूरी पराठे किसी के साथ भी आप इसको खाइए, भटूरे के संग स्पेशली बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो जरूर से आप एक बार इसको इन तरह से बना के देखिएगा। आई होप आप लोगों को आज की जो ये रेसिपी है वीडियो है पसंद आई होगी। गाइज अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।